नहीं, आज मैं आपके पांव को छूऊंगी और आपसे कहूंगी कि मातृशक्ति की रक्षा करो। कभी आप मातृशक्ति बात करते थे? नहीं नहीं सर, मेरे साथ बहुत नहीं बात करनी है मुझे कमेंदर जी के साथ, इनके साथ बात करनी है मुझे। बताइए, आप हमेशा मुझे कहते थे कि आप मातृशक्ति हैं, आप झांसी की रानी हैं। मैं आपकी धूल चाहता हूँ पाँव में लगाने के लिए, कि मैं लगाऊं आपके सिर पे और कहूँ कि हाँ। नहीं सर, मैं थक गई हूँ बोल बोल के। वाजपेयी जी की, वाजपेयी जी की बात पर रख रही हूँ मैं। वाजपेयी जी महिलाओं के लिए बोलते थे और महिलाओं के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और यहाँ महिलाओं की बीजेपी में कितनी वैल्यू है हमें पता चल रहा है, और बीजेपी कितनी असमान करती है महिलाओं का। वही महिलाएं आइए ना, प्लीज आइए। भाजपा में सम्मान नहीं है ना, तो और कहीं सम्मान मिल भी नहीं सकता। वो आलू डालो तो वो निकलता है, ऐसे महिला लीटर बढ़ के निकलती है। ऐसी महिलाएं यहाँ पे, और अच्छी महिलाओं की तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मातृशक्ति तो वही है जो लड़ेगी अपने लिए। और मुझे ये कौन सा समय था, ये समय प्लीज आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बोले तो अपना बताए से बाहर सर थक गए हैं। इनको तमीज नहीं है कि कैसे बात करती है लड़की औरतों के साथ। मेरा सिखा लीजिए, अगर हमारी कोई गलती हुई है तो सारी कि महिलाओं के साथ यहाँ पे जो कुछ नेता लोग हैं वो उन महिलाओं को आगे करते हैं, जो महिलाएं उनकी बात मानती हैं, जो नहीं मानती उनको पीछे किया जाता है, किसी बहाने से बाहर निकाल। किस तरह की बातें मानती हैं सर, मैं क्या बताऊँ अब आपको। एक बार राहुल जी की बात करते हैं कि वो क्या आलू डाला वो निकला, तो यहाँ पे महिला यहाँ होटल में गई तो सुबह वो लेट लीटर भर के आती है। ऐसी महिला हम नहीं है, हम आवाज उठाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी में महिला शोषण होता है और यहाँ पे मैं खुद अपने इस चीज के लिए बोलती हूँ। मुझे उसने ये बोला कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ लीडर हैं, आप तब आगे बढ़ोगे अगर आप ये चीज करोगे। मैंने उसको बोला मेरी जुत्ती देख ले, मैं किसी के साथ मारूंगी जुत्ती। आप इनकी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जी, और मैंने कितनी बार आवाज उठाई, मेरी आवाज को हमेशा दबाया गया, और मैं तब से घर में बैठी हुई मैं सोच रही हूँ कि आज बोलूंगी कल बोलूंगी, लेकिन ये लीडर नहीं तरस के मत सोते, ये वैसे की वैसे ही है और नए नए चेहरे को लेके आगे लेके आ रहे हैं। किस लिए आपको पता है, मैंने बता दिया। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या करूँ सर, मेरे साथ जो बीत चुकी, मैंने बोला खुद कि मुझे ये ऑफर आया तो मैंने ये कहा कि मेरी जुत्ती देख लो आप। आपने रविंद्र रैना जी से इस तरह की बात की है? रविंद्र रैना जी ने आते ही फैसला लिया, उन लोगों को सुना और मुझे मैं उस स्टेडियम से निकाल दिया। ये फैसला है इस पाकिस्तान में होता है ना, वो जैसे पाकिस्तान के वो लीडर है हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए वो बॉर्डर क्लियर कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे रविंद्र रैना जी ने मेरे को पार्टी से बाहर निकाला। मैं समझ से बाहर, मैंने आवाज उठाई, आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई, आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया। नहीं, पार्टी से बाहर नहीं निकाला, मुझे रद्द कर दिया। क्या की बोल नहीं पाएगी, क्यों नहीं बोल पाऊंगी, मैं आम नागरिक हूँ, बोल सकती हूँ। आपकी पार्टी तो हमेशा महिलाओं के हक के लिए बात, यही तो बात है सर, यही तो रोना है। जब मैं पार्टी के अंदर आई हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला को आगे लाओ, उनका हक दिलाओ। करनी और कतरी में फर्क है सर, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ जो महिला मेरे खिलाफ अब बोलेंगी ना, आप समझ लेना वो किस टाइप की होगी। अगर कोई माई की लाल अगर अच्छे खानदान की होगी ना, मेरे हक में बोलेगी, समझ। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।